कल आपने शपथ ली थी विधानसभा में, पूरे राजस्थान में 200 विधायक थे, उन्होंने आपने सिर्फ एक सबसे पहले जगरामपुरी जी का नाम लिया था। सब गुरु महाराज तो सबके होते हैं, मगर सबने सबसे पहले आपने जगरामपुरी जी की जय बोल के बाद में जय जय राजस्थान। देखिए ऐसा है कि सबका अलग अलग था, कोई शपथ किस भाषा में ले रहा था, कोई अपनी संस्कृति किस हिसाब से निभा रहा था, लेकिन आज जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो बाड़मेर की बेटी को प्रतिनिधित्व मिला और बाड़मेर की जनता, छत्तीसगढ़ कौम की जनता वहाँ पर जिस तरीके से अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, अपने विकास के मुद्दे उठाने के लिए उस सदन में भेजा, वो एक गौरवशाली क्षण था। और ये सब संभव हुआ क्योंकि जगरामपुरी जी बाप जी का आशीर्वाद था, और इसलिए ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ मेरा फर्ज था कि मैं वहाँ पर अपने, चूँकि संस्कार है मेरे, तो वहाँ बाप जी का नाम लूँ। और मैंने वहाँ जगरामपुरी जी बाप जी की जय कही, मैंने बाड़मेर की जय कही, क्योंकि बाड़मेर की जय हम आने वाले समय में करेंगे। जनता ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि जब 2013 में चुनाव हुआ था तो बाड़मेर के लोग जब वहाँ जयपुर में जाते थे तो सब बोलते थे, अरे बाड़मेर वालों आपने क्या किया, उनको ताना देते थे। और बहुत सारे लोगों ने तो ये बोलना छोड़ दिया कि हम बाड़मेर से आए, कोई कहता हम जालौर से आए, क्योंकि वहाँ उनको बहुत ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन इस बार जो बाड़मेर की जनता ने निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से बाड़मेर की जनता की जय होनी चाहिए, जो पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान कर रहा है, उनको गर्व है कि बाड़मेर की जनता ने अच्छा निर्णय लिया, और राजस्थान की जय और हिंदुस्तान की जय तो होनी ही चाहिए। उसी के लिए हम आज एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं कि राजस्थान और अपने हिंदुस्तान को, भारत को कैसे आगे ले जाएं। धन्यवाद। सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ भला करने आए, नुकसान करना नहीं आए, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता।